हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिटी एंजियोग्राफी टेस्ट के बारे में समझेंगे। सिटी एंजियोग्राफी टेस्ट हृदय में ब्लॉकेजेस की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। यह एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, यानी कि इस टेस्ट में किसी भी तरह की शस्त्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह टेस्ट हम उन पेशेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं जिनको ब्लॉकेज होने की संभावना होती है। सिटी एंजियोग्राफी एक इमेजिंग टेस्ट है, इसमें एक पावरफुल एक्सरे होता है जिससे हम हृदय की फोटोज खींचते हैं या उसका एक्सरे निकालते हैं। इस प्रक्रिया में पेशेंट को इंजेक्शन के माध्यम से डाई इंसर्ट की जाती है। इस टेस्ट को कराने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जिनमें पहला है पेशेंट का हार्ट रेट। पेशेंट का हार्ट रेट 80 से कम होना चाहिए। दूसरा, पेशेंट को किसी भी तरह के डाई या कंट्रास्ट से एलर्जी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, पेशेंट का किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए ताकि हमें सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया की स्थिति पता चल सके। किडनी प्रोफाइल टेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए। पेशेंट को 3 से 4 घंटे की फास्टिंग रखनी होती है और यह टेस्ट बहुत ही जल्दी हो जाता है अगर पेशेंट एंजाइटी में नहीं आए तो। अगर पेशेंट एंजाइटी में आता है और उसकी हृदय गति बढ़ जाती है तो ऐसे में उसके हृदय की गति कम करने के लिए मेडिसिंस दी जाती हैं। सीटी एंजियोग्राफी टेस्ट कराने से पहले पेशेंट को कुछ मेडिसिंस बंद करने की भी सलाह दी जाती है। सीटी एंजियोग्राफी टेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। सीटी एंजियोग्राफी टेस्ट एक तरह से पावरफुल एक्सरे होता है, जिसमें पेशेंट के शरीर में डाई इंसर्ट करने के बाद उसकी इमेजेस ली जाती हैं। इन तस्वीरों में हमें हृदय में प्लाक या ब्लॉकेजेस की स्थिति का पता चलता है। हमारे हृदय में 3 तरह के प्लाक या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जिनमें से पहला है लिपिड कोर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से बनने वाला प्लाक। दूसरा है फाइब्रोफैटी प्लाक, यानी कि लिपिड कोर प्लाक के ऊपर जब फाइब्रोफैटी टिश्यूज आके जमा हो जाते हैं और एक कैप्सूल बना लेते हैं तो उस प्लाक को हम फाइब्रस प्लाक बोलते हैं। और थर्ड होता है कैल्सिफाइड प्लाक, यानी कि फाइब्रोफैटी प्लाक के ऊपर कैल्शियम का डिपोजिशन होने के बाद यह एक हार्ड प्लाक में बदल जाता है और यह एक स्टेबल प्लाक होता है। इन तीनों में से सबसे डेंजरस लिपिड कोर प्लाक होता है, जो कि हार्ट अटैक करने में मदद करता है। कैल्शियम प्लाक हमारी हृदय के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि यह एक शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग बनता है। जब बॉडी में लिपिड कोर प्लाक बनता है तो उस प्लाक को खत्म करने के लिए बॉडी का जो प्रतिरक्षा सिस्टम है वो उस पे काम करता है और उसको हार्ड प्लाक में बदलने के लिए उसके ऊपर से कैल्शियम डिपॉजिट करके उस प्लाक को खत्म करता है। इस तरह से हमें सीटी एंजियोग्राफी से 3 तरह के प्लाक्स का पता चलता है और इनके परसेंटेज भी हमें पता चलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हृदय हमारे पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है, उसी तरह हृदय की खुद की भी ब्लड सप्लाई होती है, जो कि कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा होती है। इनमें 3 मेन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। यह तीनों कोरोनरी आर्टरीज आगे चल करके एक ब्रांच की तरह फैल जाती हैं और हृदय को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये आर्टरीज एक समान मोटाई की नहीं होती हैं, यह शुरू में मोटी और बाद में पतली होती जाती हैं। और जब इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस बनते हैं तो उसकी वजह से हृदय की खुद की ब्लड सप्लाई बाधित होती है, जिसे हम इस्कीमिया कहते हैं। हृदय की स्वयं की ब्लड सप्लाई को सुधारने के लिए हमें ब्लॉकेजेस का निवारण करना होता है। यह ब्लॉकेजेस हार्ट अटैक का भी कारण बनते हैं। जब कोई रक्त की गुठली या ब्लड क्लॉट आकर के इन ब्लॉकेजेस के पास अटकता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। इसलिए हमें इन ब्लॉकेजेस को कम करना जरूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे हृदय में 3 तरह के ब्लॉकेजेस होते हैं, पहला लिपिड कोर, दूसरा फाइब्रोफैटी प्लाक, तीसरा कैल्सिफाइड प्लाक। तो हम इन प्लाक की स्थिति को जानने के लिए सीटी एंजियोग्राफी टेस्ट करते हैं। थैंक